हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो हम अभी एम लक्ष्मीकांत की बुक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 67, जो कि हमारा राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के क्या अधिकार हैं और जो दायित्व है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें जो हमने पॉलिटी सीरीज में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 27 ईयर तक के जो क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उसमें एक भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के नहीं आए थे। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो छूटे ना। तो देखिए, आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था राइट एंड लाइबिलिटीज जो सरकार की है, सरकार के दायित्व और अधिकार के बारे में। फिर प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड जो स्टेट है उसके रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया था, जैसे सक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने स्टेट लैब्स एंड बोना वैकेंटिया के बारे में डिस्कस किया था। फिर सी वेल्थ के बारे में डिस्कस किया था। कंपलसरी जो कानून थे, यानी कि जो अनिवार्य अधिग्रहण थे, एक्वाइजेशंस के रिगार्डिंग में उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारे टॉपिक हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटी फॉर जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको। फिर हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटी फॉर फिर हम डिस्कस करेंगे जो लाइबिलिटी फॉर ट्रॉट्स है, यानी कि जो दायित्व के लिए जो उपकार है उसका, यानी कि उपकार के लिए जो दायित्व है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि प्रेसिडेंट के, यानी कि जो भी सार्वजनिक है, यानी कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स है उसके विरुद्ध में जो मुकदमा चलाए जाते हैं, जिसमें हम प्रेसिडेंट गवर्नर लेके चलेंगे। ऑफिशियल एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल एक्ट के बाद पर्सनल एक्ट पर डिस्कस करेंगे। पर्सनल एक्ट के बाद हम जो मिनिस्टर्स के ऊपर जो मुकदमा चलाया जाता है मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग में उसको डिस्कस करेंगे। जुडिशियल ऑफिसर्स पे डिस्कस करेंगे और सिविल सर्वेंट पे हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपना चैप्टर 68 डिस्कस करेंगे जो कि एम लक्ष्मीकांत का ही होगा। बहुत जल्द हमारा एम लक्ष्मीकांत भी खत्म होने वाला है। जब एम लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपने हिस्ट्री। ऑलरेडी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो हमने कर लिया था। ठीक है, सबसे आज जो हमारा पहला टॉपिक चलेगा वो चलेगा लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंधन के लिए जो दायित्व है। इसमें आपको जो नोट्स के फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको आप हिंदी मीडियम से नोट्स बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स बना सकते हैं। देखिए, वर्ड आपको डिक्टो एम लक्ष्मीकांत का देखने को नहीं मिलेगा, कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक खोल के बैठ रहे हो डिक्टो लाइन टू लाइन एम लक्ष्मीकांत का मिल रहा है तो नहीं। सोर्स सारे टॉपिक वो एम लक्ष्मीकांत से ही लिए गए, बस इसको मैंने थोड़े से अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखे। जैसे कि मैंने अपने जो सिविल जब मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे जो मैंने नोट्स बनाए थे उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्या है पीपीटी स्लाइड्स में रख दिया। अगर यही चीज आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए रिवीजन के लिए तो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल ज्वाइन करके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं उसका पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशंस के साथ, जो भी हमने क्लास 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी डिस्कस किए हैं उसकी बुक आपको मिल जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोडेड मिल जाएगी। साथ साथ में हम अब एनसीईआरटी की जो इकोनॉमी हमारी सीरीज चल रही थी जो कि हमने 9th और 10th कंप्लीट कर लिया, अब हम उसको 11th और 12th डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 12th की जो इकोनॉमी की बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट उसको डिस्कस करेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस सीरीज में हमारी वीडियो भी चलेगी और मतलब किस सीरीज में हमारी वीडियो चल रही थी और आगे किस सीरीज में कंटिन्यू होगी उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 300 के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 300 है वो किसके बारे में कहता है, ये एक आउटलाइन लीगल एक्शंस के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो लीगल एक्शंस है वो कैसे इन्वॉल्व रहता है, यानी कि गवर्नमेंट उसको कैसे हैंडल कर सकता है। तो इसमें हम बात करते हैं स्टेट्स के लिए वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब भारत सरकार के लिए वो क्या कर सकते हैं, स्वीट्स कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं लॉ स्वीट्स अंडर द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर। मतलब ये है कि इसमें ये कहा गया है कि जो भारत सरकार है वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे क्या कर सकते हैं, मुकदमा दायर करा सकते हैं या मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो मुकदमा का जो मतलब जो मुकदमा दायर किया जाएगा वो किसके नाम पे किया जाएगा, तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे किया
जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं सिमिलरली उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बात रखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट पे भी क्या है मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो वो किसके नाम पे किया जाएगा, रिस्पेक्टिव स्टेट के नाम पे किया जाएगा। जैसे अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो मुकदमा दायर होगा वो किस नाम से होगा, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे होगा। सिमिलरली उसी तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट पे मुकदमा दायर होगा तो किस नाम से किया जाएगा, रिस्पेक्टिव स्टेट के नाम से किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश या हम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि बोथ, अगर हम सेंट्रल या हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो रिओर्गेनाइज करते हैं लीगल इंटेंटेज किसके लिए, पर्पस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि जो भी कानूनी कार्रवाई होती है कानूनी इकाई के रूप में उन्हें क्या है मान्यता दी जाती है। फिर देखिए अगर हम रिगार्डिंग बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के, तो आर्टिकल 300 में स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, यूनियन ऑफ इंडिया या हम स्टेट की बात करते हैं तो उसमें वो क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं लीगल केसेस के लिए। जैसे कि फॉर्मर जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है या हम प्रोविंसेस या हम प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, देखिए प्रिंसली स्टेट हम कॉलोनियल टाइम पे काउंट किया करते थे, प्रिंसली स्टेट वो स्टेट होते थे जहाँ पे क्या है किसी राजा का शासन होता था, तो उसे हम कहते थे प्रिंसली स्टेट। तो वो भी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो क्या उससे पहले भी वो इफेक्टेड था। मतलब ये समझिए कि अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया या हम स्टेट लीगल की बात करते हैं, यानी कि जो कानून के अंदर जो मामले शामिल होते थे, मामले जो उनके उन्हीं तरह शामिल होते थे जैसे कि संविधान लागू होने से पहले या भारत की जो पूर्व डोमिनियन या हम उनकी जो प्रिंसली स्टेट की रियासत थे, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें हो सकते थे। फिर इस रूल की बात करते हैं, ये जो प्लेसेस थे अनलेस थे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि यह नियम तब तक लागू रहता है जब तक कि इसके रिगार्डिंग में स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई कानून ना बना दे या इसको कानून में कोई बदलाव ना करते या उसके बदले में कोई नया कानून नहीं बना दे तब तक ये ऐसा ही रहेगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया है जिसके लिए वर्तमान स्थिति यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में वैसे ही संविधान से पहले था, वैसा ही है जैसे पहले संविधान से पहले था। फिर देखिए बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब हमारा संविधान नहीं बना था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय काल चल रहा था यानी कि ब्रिटिश टाइम जो चल रहा था 1950 से पहले अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जो यानी कि सरकार के ऊपर जो केस चलाए जाते थे वो ब्रांचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चलाए जाते थे, ना कि फिर टॉर्ट्स के लिए यानी कि रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए। मतलब आप ये समझिए कि जब ब्रिटिश टाइम था तो ब्रिटिश टाइम पर सरकार के ऊपर जो लीगल या जो मुकदमा चलाए जाते थे वो किसके लिए चलाए जाते थे, अनुबंधन के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाता था। लेकिन अगर बात करते हैं कि यानी कि जो लाइबिलिटीज है यानी कि जो संप्रभुता कार्य करते समय उनके कर्मचारियों के द्वारा किए गए जो भी इलीगल काम है, यानी कि अगर हम उनके गलत तरीकों की बात करते तो उनके लिए कोई भी मतलब उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती थी। यह भेद आज भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आज भी ये जो भेद है वो आपको प्रशासन देखने को मिल जाएगा। देखिए फिर बात करते हैं इसी के आगे का जो पॉइंट है, अगर हम अंडर इट्स एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर बात करते हैं तो यूनियन या हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वो इंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेरियस पर्पस के लिए। वेरियस पर्पस जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक्वायरिंग होल्डिंग या हम डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें कंडक्टिंग ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, या हम अदर एक्टिविटीज की बात करते हैं। मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए कि अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर के तहत बात करते हैं तो जो यूनियन है या स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग विभिन्न जो उद्देश्य के लिए क्या है, अलग अलग जो पर्पस है उसके लिए अनुबंधन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया एक्वायरिंग हो गया, होल्डिंग, डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग ट्रेड और बिजनेसेस या जो भी अदर एक्टिविटीज होती है। लेकिन हालांकि अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके लिए रिक्वायर्स 3 स्पेसिफिक कंडीशंस रखी गई है। ये 3 स्पेसिफिक कंडीशंस ये रही आप देख सकते हैं, जैसे कि दे मस्ट मेड यानी कि द नेम ऑफ प्रेसिडेंट यूनियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसके नाम पे किया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा, और स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किस पे होगा, गवर्नर के नाम पे होगा। यानी कि उन्हें राष्ट्रपति यूनियन गवर्नमेंट के लिए राज्यपाल स्टेट के नाम पर क्या होगा, बनाया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए दे मस्ट
बी एग्जीक्यूटेड किसके नाम ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, यानी कि उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से क्या होना चाहिए, निष्पादित किया जाना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या रखा गया था कि उन्हें किसी भी व्यक्ति के द्वारा या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा क्या है, मैनर ऑथोराइज किया जाना चाहिए, एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। तो इन तीन के बेसिस पे क्या है आपको देखने को, मतलब इन तीन कैटेगरी में जो कंडीशन थे उसको क्या कर दिया गया था, स्पेसिफाई कर दिया गया। फिर देखिए अगर हम ये तीनों कंडीशंस की बात करते हैं, यानी कि ये जो कंडीशंस है वो मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि यदि यदि उन्हें यदि उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको अदालत में क्या मान लिया जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा या इनफोर्सेबल क्या है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एडिशनली बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त में प्रेसिडेंट या गवर्नर इज नॉट अ पर्सनली liable for any contract made in their the name or is the officer who executes the contract, मतलब हालांकि अगर बात करते हैं राष्ट्रपति या गवर्नर अपने नाम पर किए गए किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट है के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व नहीं होगा, ना ही अधिकारी जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जहां पे व्यक्ति या व्यक्तिगत जो दायित्व है या हम पर्सनल लायबिलिटी की बात करते हैं दायित्व से बचाया जाता है, वहीं पे सरकार को अभी भी ये जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट है के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। गवर्नमेंट्स की बात करते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है सिमिलर उसी तरीके से एनी प्राइवेट इंडिविजुअल अंडर द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लॉ और प्रिंसिपल डेट हैज बीन इन प्लेस सिंस द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब देखिए सरकार की जो आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है सिमिलर उसी तरीके से जैसे कि अनुबंधन कानून के तहत किसी भी प्राइवेट कंपनी मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल है या हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करते हैं समान है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर था सिमिलर उसी तरीके से है। देखिए लायबिलिटी फॉर फ्रॉड्स की बात करते हैं, यानी कि उपकार के लिए जो दायित्व है, प्रारंभ में बात करते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी था वाज जस्ट अ ट्रेडिंग, यानी कि वो जब हमारी कंट्री में वो किस लिए क्या आई थी, एक व्यापारिक इकाई के रूप में आई थी कि हम क्या करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो ट्रेड करेगी, लेकिन इसने क्या किया था भारत के क्षेत्रों पर धीरे धीरे जो हमारी जो कंट्री थी ओवर जो टेरिटरीज थी उस पर क्या करना शुरू कर दिया था, कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और उनके द्वारा जो गवर्निंग अथॉरिटी थी वो बनाना उनके द्वारा शुरू कर दी गई थी। तो जो वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरीके से आए थे तो उनके द्वारा क्या था जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, यानी कि जो व्यापारिक इकाई के रूप में कंपनी को क्या है व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन उसने अपने लायबिलिटीज के लिए अपने जो लायबिलिटीज लॉ थे सॉरी जो लायबिलिटीज काम थे यानी कि संप्रभु कार्यों से संबंधित मुकदमा से उन्हें क्या मिली थी, छूट मिली थी, रिलीफ मिली थी अगर हम बात करते हैं तो यह छूट अंग्रेज आम कानून के सिद्धांत पर क्या थी आधारित थी, जो कि राजा को कोई गलत काम नहीं करने देती थी। तो जिसका मतलब ये था कि राजा अपने सेवकों के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायित्व नहीं ठहरा सकता था या उस पे रॉन्गफुल तरीके से सर्वेंट के ऊपर वो लायबल नहीं कर सकता था। तो ब्रिटेन में इस छूट को क्या है 1947 के जो क्राउन थे यानी कि क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट ऑफ 1947 के तहत क्या है इसको हटा दिया गया, लेकिन भारत में सरकार अभी भी इस तरह की छूट को क्या है बरकरार हमारे देश में रखा हुआ है। फिर देखिए बात करते हैं आगे सेम टॉपिक ही चल रहा है अभी लायबिलिटी फॉर ट्रॉट्स उपकार के लिए जो दायित्व उसमें देखिए फिर क्या हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट है चाहे हम यूनियन की बात करते हैं या स्टेट की बात करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं अधिकारियों के द्वारा की गई जो भी नागरिक गलतियां हैं उसके लिए क्या है मुकदमा दायर कर सकती है दायर किया जा सकता है जब ये कार उनके अगर हम बात करते हैं नॉन सोमनेंट फंक्शंस का क्या हो हिस्सा है तो अगर बात करते हैं तो इट कैन नॉट बी यानी कि न्यायिक प्रशासन सेवा सड़कें बनाए या हम बात करते हैं सड़कें बनाने या युद्ध के दौरान सामान जब्त करने जैसे जो अगर हम सोवरेन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उससे संबंधित जितनी भी जो कार्य हैं के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह अंतर पहली बार
कब आया था, ये यानी कि जो इसको फर्स्ट टाइम पे जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी केस, जो कि 1861 में था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसे जो रीअफेक्ट किया गया था भाई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, और किस कब किया गया था, तो जो कस्तूरीलाल मामला जो केस था 1965 का, तो इसमें दोबारा से क्या है, रीअफेक्टेड किया गया था। फिर देखिए अगर बात करते हैं, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट थे उनके द्वारा ग्रेजुअली जो अडॉप्टेड थे मोर जो रिस्पेक्टिव जो इंटरप्रिटेशन थे सॉवरेन फंक्शंस के लिए, तो उसमें क्या है, जो हैज अवॉइडेड जो कंपनसेशन थे विक्टिम्स को, इस मतलब जो विक्टिम्स थे उस केसेस में दिए गए, मतलब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे जो सॉवरेन फंक्शंस थे यानी कि जो संप्रभु कार्य थे कि अवधि को प्रतिबंधित व्याख्या को अपनाया, और कई मामलों में जो विक्टिम्स थे उनको मुआवजा भी दिया गया। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं नरेंद्र राव केस, जो कि 1994 में था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, और जो रूल्स रूल्ड दैट द स्टेट इज लायबल टू पे अ कंपनसेशन, मतलब कि जो नरेंद्र राव मामले का जो केस था 1994 का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो सॉवरेन फंक्शंस थे उसके प्रिंसिपल को क्या क्रिटिसाइज किया था, और ये फैसला सुनाया था कि राज्य अपने अधिकारियों के जो लापरवाही, यानी कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं कर रहे, लापरवाही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो जो भी उनसे जो नुकसान हुआ है उसका वो मुआवजा क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, उसके लिए वो क्या होंगे, उत्तरदायित्व होंगे, यानी कि उन ऑफिसर्स को मुआवजा देना होगा। तो इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जो सॉवरेन और जो नॉन सॉवरेन फंक्शंस हैं के बीच में क्या है अंतर, यानी कि जो अंतर था वो क्या हो चुका था, पुराना हो गया था, और राज्य नए प्रशासन और कानून और व्यवस्था के रखरखाव जैसे कुछ जो प्राइमरी फंक्शंस थे, प्राथमिक कार्य थे, को छोड़ करके प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता था। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट जो कि कॉमन केस था 1999 में, यानी कि कॉमन केस मामले जो 1999 था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी। और नोटिंग की बात करते हैं, तो जब इसको खारिज कर दिया गया था, तो ये देखते हुए कि जो नागरिक के जीवन में राज्य की जो विरासत है या हम भूमिका की बात करते हैं, उसका कारण संप्रभु और मतलब कि जो सॉवरेन है नॉन सॉवरेन फंक्शंस के बीच में क्या है अंतर करना काफी ज्यादा क्या था, मुश्किल था। तो कोर्ट ने ये माना कि जो स्टेट है, स्टेट को अपने कर्मचारी यानी कि जो ऑफिसर्स हैं को सभी कपटपूर्ण, मतलब जो एक तरीके से रिगार्डलेस की बात करते हैं, मतलब बुरी तरीके से भेदभाव, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो किसी के साथ मतलब कुछ ज्यादा ही दुष्व्यवहार करना, कूट तरीके से व्यवहार करना के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए, भले ही वो कर्तव्य संप्रभु या गैर संप्रभु कार्यों का हिस्सा क्यों ना हो। तो फाइनली की बात करते हैं, यानी कि फाइनली अंत में जो कैदी की जो हत्या के मामले केस आए थे 2000 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो प्रेसिडेंट है स्टे, अगर बात करते तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो घोषणा की थी कस्तूरीलाल मामले के द्वारा जो स्थापित मिसाल ने अपना क्या एक महत्वपूर्ण जो यानी कि अपना जो अगर बात करते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका और अब बाध्यकारी नहीं था। यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे कि जो स्थापित मामले ने अपना एक महत्व जो था वो क्या कर रखा था, खो दिया था, अब वो बाध्यकारी नहीं था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो 2000 में जो एक केस आया था कैदी की हत्या के मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट की जो घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने जो घोषणा की थी उसमें जो कस्तूरीलाल मामले की जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी, मतलब जो भी इम्पोर्टेंस थी अब वो और ज़्यादा लंबे समय तक वो बाइंडिंग नहीं रही थी। देखिए फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं किसके बारे में, जो भी सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध में जो मुकदमा चलाया जा सकता, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट के अगर हम बात करें तो उनके आधिकारिक और व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही के संबंध में कुछ छूट प्रदान की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल एक्ट के बारे में। ऑफिशियल एक्ट में हम तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तीन पॉइंट में कौन कौन सा होगा, पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉसूट, फिर रिव्यू ऑफ कंडक्ट, अल्टरनेटिव लीगल एक्शन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शंस के बारे में।
यानी कि मुकदमा से सुरक्षा। तो अगर हम प्रेसिडेंट या गवर्नर की बात करते हैं तो उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता है आफ्टर, या हम बात करते हैं और आफ्टर देयर द टाइम्स ऑफ ऑफिस और एक्शंस टेकन इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। मतलब अगर हम प्रेसिडेंट और गवर्नर पे बात करते हैं तो उन पे उनके कार्यकाल के टाइम पे उन पे मुकदमा या उसके बाद अधिकारी कर्तव्यों के अभ्यास और प्रदर्शन में किए गए कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। रिव्यू ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं यानी कि आचरण की समीक्षा की बात करते हैं। हालांकि ये जो मुकदमा है मुकदमा से उन्हें सुरक्षित है, फिर भी राष्ट्रपति के आधिकारिक आचरण की जो समीक्षा है अदालत या न्यायिकीकरण या हम संसद के किसी भी सदन के द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य निकाय के द्वारा किया जा सकता है, खासतौर पर जब प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस चलती है उस टाइम पे। इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि जब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस चलाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। अगर हम अल्टरनेटिव लीगल एक्शंस की बात करते हैं तो यदि कोई भी प्रेसिडेंट है या गवर्नर है उनके कार्य के व्यथित है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल पर सीधे मुकदमा करने के बजाय भारत यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया या हम स्टेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की लाया जा सकता है। तो अल्टरनेटिव एक्शंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए पर्सनल एक्ट की बात करते हैं। पर्सनल एक्ट में भी हम तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग, दूसरा होगा हमारा सिविल प्रोसीडिंग, तीसरा होगा हमारा लिमिटेशंस ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंटेंटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर द पर्सनल एक्ट एंड दे कैन नॉट अरेस्टेड और अगर हम बात करते हैं इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग आफ्टर द टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब ये समझिए कि जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने पोस्ट पर है तब तक उन पर किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता है। अगर हम सिविल प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो इसमें कि वो पद पर रहते हुए भी उनके जो व्यक्तिगत प्रोसीडिंग, मतलब अगर हम जो पर्सनल एक्ट्स हैं उनके तहत जो प्रोसीडिंग्स है उससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है, यानी कि आप ये समझिए कि पद पर रहते हुए यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर पद पर हैं तो उनके पद पर रहते हुए व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन केवल 2 महीने की अग्रिम सूचना प्रदान करने होगा। मतलब उन पर सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है लेकिन उससे पहले उनको क्या होगा, 2 महीने पहले उनको एडवाइस नोटिस जारी करके इन्फॉर्म करना होगा। फिर देखिए अगर हम लिमिटेशंस ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें जो इम्यूनिटी है वो फ्रॉम जो सिविल प्रोसीडिंग है वो क्या है, आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा। मतलब जब तक वो अपने ऑफिस में है, जब तक अपने टर्न पीरियड में, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपराधिक कार्रवाई के अगर बात करते हैं तो प्रतिरक्षक उनके कार्यकाल तक ही सीमित है। मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पोस्ट पे हैं तभी तक क्या है उनके पास, ये क्या है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उस पर तब तक नहीं चलाया जाएगा। इसके आगे बढ़ते ही सिविल कार्रवाई उनके कार्यकाल के दौरान भी क्या है चलाया जा सकता है, आवश्यक नोटिस के साथ शुरू किया जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर देखिए बात करते हैं किसके बारे में, एडवाइस टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगर बात करते हैं मिनिस्टर आर नॉट लायबल, मतलब कि अगर मंत्री राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा उनकी सलाह के आधार पर किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है तो न्यायालयों को मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने से क्या है प्रतिबंधित किया जा सकता है। पर्सनल एक्ट की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड। अगर हम पर्सनल एक्ट की बात करते हैं तो मिनिस्टर डू नॉट इंजॉय यानी कि मिनिस्टर इंजॉय नहीं करते मतलब मिनिस्टर इसको मतलब जो पर्सनल एक्ट है उसको इंजॉय नहीं करते उनकी इम्यूनिटी। अगर बात करते हैं फॉर द पर्सनल एक्ट, मंत्री को अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है, उन पर किसी भी अन्य नागरिक की तरह क्या अपराध और कर्तव्य दोनों के लिए क्या है कोर्ट के अंदर में मुकदमा चलाया जा सकता है जैसे एक अदर सिटीजन के ऊपर चलाया जाता है। देखिए मिनिस्टर्स की बात करते हैं, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई है रिगार्डिंग इसके लिए मिनिस्टर्स के लिए और एक ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। अगर हम नो इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट की बात करते हैं तो अनलाइक जैसे कि राष्ट्रपति और गवर्नर के पास पावर रहता है जैसे भी हमने डिस्कस किया, तो मिनिस्टर के पास किसी भी तरीके की इम्यूनिटी का कोई भी पावर नहीं रहता जिस तरीके से प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होता है। तो उनके ऊपर भी क्या है, अगर हम प्रेसिडेंट अगर मिनिस्टर की बात करते तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
इसका मतलब क्या है कि अगर हम मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो मिनिस्टर्स क्या है वो आप इधर से देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें उन कर्तव्यों के लिए अदालत में उत्तरदायित्व, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कह रहा है कि देखिए हालांकि अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति और जो गवर्नर है मतलब प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनके आधिकारिक कर्तव्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका मतलब है कि उन पर अदालत पर उत्तरदायित्व मतलब अदालत के अंदर उनके कर्तव्य के लिए उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता है। फिर देखिए बात करते हैं एडवाइस टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की सलाह की बात करते हैं, तो ये शायद अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, एक मिनट, मतलब ये वाला टॉपिक इसके बाद था तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं, तो देखिए जो जुडिशियल ऑफिसर भी क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी से अपने ऑफिशियल एक्ट्स में, इसका मतलब है कि उन पे भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब वो अपने जुडिशियल ड्यूटीज में का हिस्सा हो। तो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंदर में ये बात रखी गई है। बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ सूट्स के बारे में, तो अगर हम जजेस की बात करते हैं मजिस्ट्रेट, या हम जस्टिस की बात करते हैं ऑफ द स्पेसिफिक, या हम कलेक्टर की बात करते हैं, या हम अदर पर्सन की बात करते हैं जो कि एक्टिंग जुडिशियल कैपेसिटी आर नॉट लायबल टू द सूट इन एनी सिविल कोर्ट फॉर एक्ट्स डन इन द डिस्चार्ज फॉर देयर ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब मुकदमा से इन्हें सुरक्षा मिलता है अगर हम न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, या हम बात करते हैं जस्टिस ऑफ पीस, या हम कलेक्टर की बात करते हैं न्यायिक क्षमता के कार्य करने वाले जो अदर व्यक्ति होते तो उन पर आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी भी नागरिक अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। अगर हम यही कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित सुनिश्चित करती है कि जो न्यायिक अधिकारिक या व्यक्तिगत दायित्व के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन वो कर सकते हैं, जिसे उन्हें बाहरी दबाव के बिना कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। देखिए अब बात करते हैं सिविल सर्वेंट के बारे में। सिविल सर्वेंट आज के टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो अगर जॉब करे तो अगर हम सर्विस सेक्टर में, तो वो सिविल सर्विस की जॉब करना प्रेफर करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड कराए गए सिविल सर्वेंट, या हम स्पेसिफिक इम्यूनिटीज रिगार्डिंग जो भी ऑफिसियल्स हैं ऑफिसियल्स ड्यूटीज के रिगार्डिंग पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स पे। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पर्सनल इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आधिकारिक अनुबंधों के लिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसके बारे में। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट मेड इन ऑफिशियल कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी कि जो आधिकारिक क्षमता के में किए गए जो अनुबंधन है, तो सिविल सर्वेंट आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स दे मेक इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब इसका क्या है कि जो भी सिविल सेवक है अपनी आधिकारिक क्षमताओं में किए गए अनुबंधों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व नहीं है। इन अनुबंधों का जो दायित्व सरकार या हम सेंट्रल या स्टेट पर क्या है, इसका जो दायित्व किस पे पड़ेगा, सेंट्रल या स्टेट पर पड़ेगा। अगर बात करते जो संवैधानिक शर्तों का अनुपालन ना करना, दूसरा पॉइंट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस है उसका पालन ना करना। यदि अगर हम संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल शर्तें हैं तो उसका पालन किए बिना कोई भी अनुबंधन किया जाता है, तो अनुबंधन करने वाले सिविल सेवक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए इम्यूनिटी फ्रॉम ड्यूटीज एक्ट की बात करते हैं, यानी कि अत्याचार पूर्ण कर्तव्यों के प्रतिरक्ष में बात करते हैं, तो इसमें भी आपको तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सॉवरेन फंक्शंस के बारे में। सॉवरेन फंक्शन में सिविल सर्वेंट के पास इम्यू फॉर्म रहता है, जो भी लीगल लाइबिलिटीज रहता है, जो हमारे टॉर्टियोज एक्ट है, यानी कि आप ये समझिए सिविल सेवक जो सरकार के संप्रभु कार्यों को निष्पादित करते समय किए गए जो भी कपटपूर्ण, यानी कि जो छल करते हैं, चीट करते हैं, चीट कर्तव्य मतलब जो चीटिंग करते हैं उस तरीके से समझ सकते हैं आप, जो कपटपूर्ण कर्तव्य के लिए क्या है कानूनी दायित्व से वो क्या है मुक्त है, फ्री है। नॉन सॉवरेन फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि इसके संबंधित ना होने वाले जो कपटपूर्ण या जो अवैध कार्य के लिए क्या है सिविल सेवकों का दायित्व किसी भी सामान्य नागरिकों के समान ही होता है।
फिर अगर हम सिविल प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो इसमें एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी और दूसरा बात करते हैं एक्ट्स आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटी, यानी कि सिविल जो सर्वेंट होते हैं उनकी सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सिविल सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग में लिए जा सकते हैं एक्ट्स किसके तहत, जो एक्ट्स डन यानी कि जो एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी है उसके तहत में। लेकिन इसमें भी आपको क्या है, दो मंथ की नोटिफिकेशंस एडवाइस देनी पड़ेगी। एक्स आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटी की बात करते हैं तो इसमें कोई भी एडवाइस नोटिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है सिविल प्रोसीडिंग्स के अगे सिविल प्रोसीडिंग्स की तरह के लिए, और इसमें जो सिविल सर्वेंट हैं उनके अगेंस्ट में एक्स डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ देयर ऑफिशियल के तहत इसमें क्या है जो मुकदमा है वो चलाया जा सकता है, एक्शंस लिए जा सकते, मतलब इसमें सूचना की कोई भी तरीके की अनिवार्य नहीं है। फिर क्या बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हम बात करते हैं तो परमिशंस रिक्वायर्ड, परमिशंस रिक्वायर्ड की मतलब है क्रिमिनल जब किसी भी सिविल सर्वेंट पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया जाता है यानी कि कार्रवाई की जाती है तो अधिकारी के लिए क्या है कार्यों के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां पे राष्ट्रपति या गवर्नर से पूर्ण अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमारा जो चैप्टर 65 था वो हमारा एम लक्ष्मीकांत का कंप्लीट हो चुका है। देखिए आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वीडियो चल रही है अभी दो सीरीज में चल रही है, अगर बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक तो इसमें हम एम लक्ष्मीकांत डिस्कस करते हैं, और संडे को हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे चार यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट था हमारा यानी कि हिस्ट्री का, हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री में हमने चारों हिस्ट्री डिस्कस किया था एशियंट मिडिवल मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा यूनिट था हमारा जो यूनिट बी कह लो या दूसरा यूनिट कह लो वो था पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट थ्री जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का, और जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत खत्म होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिस्ट्री के सीरीज, साथ साथ में हम रिवीजन भी लेके चलेंगे, और क्लास सिक्स से लेकर के जो क्लास ट्वेल्व तक की पॉलिटिकल साइंस वो कंप्लीट की जा चुकी है, वो सारी वीडियो अपलोडेड प्लेलिस्ट में आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास नाइन से लेकर के जो क्लास टेंथ इसकी जो इकोनॉमिक्स ये भी कंप्लीट की जा चुकी है अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जो डेवलप इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट उसको, उसके बाद जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता जाएगा हम ऐसे ही धीरे धीरे सीरीज कंटिन्यू करते जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में जो भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप अपने फीडबैक के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।